नेटफ्लिक्स के लिए पहली आधिकारिक भारतीय वेब सीरीज कही जा रही सेक्रेड गेम्स इन दिनों राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। फिल्म के तमाम सीन्स और डायलॉग पर लोगों की आपत्तियां आने लगी हैं। कई जगहों पर इसके खिलाफ शिकायत तक दर्ज कराई गई है। इस वेब सीरीज के जरिए 70 के दशक के बाद के उन सामाजिक राजनीतिक घटनाओं पर टिप्पणी की गई है जिनकी आज भी चर्चा की जाती है। खासकर विपक्षी दल इन राजनीतिक घटनाओं का इस्तेमाल कर पिछले कई सालों से कांग्रेस पर निशाना साधते आए हैं। दरअसल टिप्पणियों में तमाम चीजों के लिए कांग्रेस को दोष दिया गया है। ऐसे में जाहिर है कांग्रेस और उसके नेता इसे कतई पसंद नहीं करेंगे। सीरीज में वैसे तो बहुत सारे राजनीतिक कमेंट हैं, लेकिन मुख्य तौर पर तीन ऐसे कमेंट हैं जो कांग्रेस और उसके नेताओं को काफी परेशान करने वाला साबित हो सकता है। ये तीनों टिप्पणियां कांग्रेस की दुखती रग भी हैं। नंबर एक, इमरजेंसी। 1977 में देश में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी चालू थी। सरकार लोगों के काट कर ले जा रही थी। मुंबई सबसे तेजी से भाग रही थी। यहाँ सबके लिए काम था। अब उनको ब्राह्मण होने का फायदा मिला। नंबर दो, बोफोर्स घोटाला। माँ मरी तो बेटा पीएम बन गया। पीएम बन के बोफोर्स का घोटाला किया। अपन सोचा जब देश के पीएम का कोई ईमान नहीं तो अपन सीधे रास्ते चलकर क्या करेगा। और नंबर तीन, शाहबानो केस। 1986 में शाहबानो को 3 तलाक दिया उसका पति। वो कोर्ट में केस लड़ी और जीती, लेकिन वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी, वो फट्टू बोला चुप बैठ औरत, कोर्ट का फैसला उल्टा कर दिया और शाहबानो को मुल्लों के सामने फेंका। इस पे उसको हिंदुओं से बहुत गाली पड़ी और उनको खुश करने के लिए टीवी पर रामायण शुरू किया। हर संडे सुबह पूरा देश चिपक कर टीवी देखता था। तो यही है वो तीन डायलॉग जिससे कांग्रेस इस तरह से तिलमिलाई है। हालांकि पूरे विवाद पर अनुराग कश्यप ने भी साफ कर दिया है कि ये वेब सीरीज किसी नेता को टारगेट करने के लिए नहीं बनाई गई है। अगर किसी को इससे आपत्ति है तो ये उनकी दिक्कत है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।